हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लो थ्रू नोजल। फ्लो थ्रू नोजल में हम तीन चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेलोसिटी, मोमेंटम एंड डिस्चार्ज। इस लेक्चर में हम सिर्फ वेलोसिटी और मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू नोजल की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं वेलोसिटी थ्रू नोजल से। तो वेलोसिटी थ्रू नोजल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक नोजल है जिसका इनलेट है, लेट से दिस इज वन एंड एग्जिट इज नंबर टू, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी थ्रू नोजल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस नोजल की एक एनर्जी इक्वेशन की बात कर लेंगे। एनर्जी इक्वेशन देखते हैं कि कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी इक्वेशन कितनी हो सकती है, डी एच प्लस सी डी सी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी पार्ट, द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हेड और यहाँ पे पोटेंशियल हेड इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इस एनर्जी इक्वेशन में दो चीज़ें नहीं हैं, दैट इज एक तो क्यू पार्ट, दैट इज डी क्यू, और दूसरा डी डब्ल्यू। क्यू और वर्क हमारे पास इसमें नहीं है, तो ये डी क्यू और डी डब्ल्यू में क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्यों बिकॉज द बाउंड्रीज ऑफ दिस नोजल आर रिजिड, कोई मूविंग बाउंड्री नहीं है। तो हमारे पास डी डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वर्क क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि जो फ्लो होता है वो दैट इज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी, तो यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन थ्रू द बाउंड्री बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हमने डी क्यू भी यहाँ पे क्या लिया है, जीरो लिया है। तो डी क्यू एंड डी डब्ल्यू इज जीरो, दैट्स वाई जो हमारी एनर्जी इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ये है, डी एच प्लस सी डी सी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे जो ये हमारे पास फ्लो है उसके हेड में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, डेटम हेड में कोई चेंज नहीं है, तो हम जी डी जेड को भी क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एच प्लस सी डी सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसको अगर हम 1 to 2 इसमें हम फ्लो को देखें, इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस विल बी एच वन माइनस एच टू प्लस सी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एच वन माइनस एच टू हमारे पास हो जाएगी सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर बाई 2, राइट। जो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट होती है नोजल से, ठीक है, दैट इज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ इनलेट टू द नोजल। यहाँ पे नोजल की जो इनलेट होगी उसकी वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सी टू इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू सी वन, तो हम यहाँ पे इसको सी वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, एच वन माइनस एच टू दैट इज सी टू स्क्वायर बाई 2, राइट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ नोजल आ गई है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ नोजल क्या हो जाएगी, थ्रू द नोजल हो जाएगी 2 एच वन माइनस एच टू। और जो हमारे पास सी टू होती है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और जो हमारे पास एच जो एंथैल्पीज होती हैं उसकी यूनिट किलो जूल पर केजीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 2000 एच वन माइनस एच टू, एंड अंडर रूट 2000 इज 44.72 अप्रॉक्सीमेटली एच वन माइनस एच टू, राइट। तो दिस इज सी टू, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट थ्रू द नोजल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बस एजम्पशन है कि हमारे पास जो हीट इंट्रैक्शन होगा और वर्क इसमें होगा इंट्रैक्शन, दैट इज जीरो। तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी थ्रू नोजल। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोमेंटम इक्वेशन के लिए। तो मोमेंटम इक्वेशन क्या देख सकते हैं, हम पहले फ्लो देखेंगे, ठीक है, कि फ्लो कितना है। तो पहले एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इसमें जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका एक सेक्शन ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। तो उन फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो हम विल गेट द मोमेंटम इक्वेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, इस फ्लो पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सेज निकालने के लिए हमने क्या करा है कि एक सेक्शन ले लिया है यहाँ पे, लेट से द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज डी एक्स। तो हमने डी एक्स सेक्शन का एक dx लेंथ का एक सेक्शन ले लिया है, ठीक है। इस पर हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे।
तो पहले एक फोर्स यहाँ से लग रहा होगा, कुछ फ्लोट प्लेसिया से आ रहा होगा, लेट से जो उसका प्रेशर है दैट इज पी, पी इंटू द होल एरिया जो यहाँ पे होगा, तो दैट इज एरिया इज पी ए। तो हमारे पास एक फोर्स आ गया है, लेट से दिस फोर्स इज एफ वन पी इंटू ए, राइट। सिमिलरली इसका एक पीछे से प्रेशर इस पर रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, तो दैट प्रेशर इज पी प्लस डी पी इंटू द एरिया दैट इज ए प्लस डी ए, द इंक्रीज इन एरिया, ठीक है ना। ऑल दो जो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम जनरलाइज्ड फॉर्म में एक मोमेंटम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो हम बिल से पी प्लस डी पी, तो ये हमारे पास एक फोर्स, दूसरा क्या आ गया, पी प्लस डी पी इंटू ए प्लस डी ए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या फोर्स होगा, इसके अलावा जो ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये बाउंड्री पे यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, और वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन दे रही होगी, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो एरिया कौन सा है जिस पे वो प्रेशर लग रहा है पी, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि लेट कि ये जो हमारे पास डाइवर्जेंट एंगल है दैट इज फाई, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फाई, ठीक है। तो हमने इस ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, थोड़ी ज़्यादा स्टीप हमने, क्योंकि थोड़ा सा एक मैग्नीफाइड फॉर्म में ले रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टीप दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो लेट से दिस इज़ वाई, ठीक है, दिस इज़ फाई एंगल एंड दिस लेंथ इज एक्स, तो ये एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम वाई निकाल सकते हैं, दैट वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स ओवर कॉस फाई, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स सेक फाई, राइट। तो ये हमारे पास वाई आ गई है, राइट। अब ये तो हमारे पास ये लेंथ हो गया, लेकिन इस एलिमेंटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास, इसका कुछ पीछे डेप्थ भी होगी, ठीक है। तो वो डेप्थ हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, राइट। तो ये एक इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में ही तो यहाँ पे रिंग होगी पूरी, ठीक है ना, पूरा, क्योंकि नोजल है, ठीक है, नोजल सर्कुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये हमने एलिमेंटल लेंथ लेनी पड़ेगी, तो ये एलिमेंटल लेंथ लेने के लिए क्या कहते हैं, कि लेट से कि जो ये हमारे पास इस पूरे सर्कुलर सेक्शन की रेडियस है, उसका जो एंगल है यहाँ पे सबटेंडेड मिड में, ठीक है, दैट इज डी थीटा। तो ये इस एलिमेंट की ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इफ दिस इज आर, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। तो हमारे पास एक लेंथ कितनी आ गई इसकी, आर डी थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा, ये हमारे पास कितनी आ गई, डी एक्स सेक फाई। तो इसका एरिया कितना हो गया यहाँ पे, आर डी थीटा इंटू डी एक्स इंटू सेक फाई, राइट। तो ये हमारे पास एरिया हो गया। अब एरिया जो है कि यहाँ पे ये प्रेशर लग रहा होगा, लेट से दिस इज पी, ठीक है, तो ये क्योंकि यह ए एंगल कितना था फाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फाई, राइट। तो ये अब हम क्योंकि रिएक्शन हमें देखनी है कि फ्लूड पे रिएक्शन कितनी है, ठीक है, तो ये एंगल भी हमारे पास फाई है, ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पी कॉस फाई, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ये पी साइन फाई, राइट। तो हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी साइन फाई इंटू एरिया दैट इज आर डी थीटा डी एक्स सेक फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स हो गया इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो पी साइन फाई और ओवर सेक फाई यानी कि ओवर कॉस फाई हो जाएगा, तो लेट से इसको हम पी टेन फाई लिख सकते हैं, आर डी थीटा इंटू डी एक्स। अब एक चीज़ देखो कि ये जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, वो सिर्फ इतने एलिमेंट पे नहीं लग रहा होगा, हमने जो ये सेक्शन लिया है, ठीक है, ऑल दो ये सेक्शन हमने एलिमेंटल लिया है, लेकिन ये पूरे के पूरे हमारी रिंग पे लग रहा होगा, चारों तरफ से लग रहा होगा। तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना पूरा एंगल हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया पी टेन फाई आर इंटू टू पाई डी एक्स, राइट। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया है इसको, ठीक है, पूरे के पूरे नोजल के लिए, ठीक है, तो डी थीटा कितना हो जाएगा, टू पाई, राइट, डी एक्स टेन फाई। अगर यहाँ पे हमारे पास
आर इसकी रेडियस थी, ठीक है। अब ये देखो कि ये चीज जो है हमारे पास डी एक्स है, दैट मीन्स ये वाली चीज, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ थी हमारे पास कितनी थी, डी एक्स थी, ये हमारे पास वाई थी जो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा इंक्रीज इन द रेडियस, कि अगर यहाँ पे आर थी तो यहाँ पे जितना इंक्रीज हुआ, तो दिस इज इंक्रीज, लेट दिस इज डी आर, ठीक है। तो डी आर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स टेन फाई कितना हो जाएगा, डी आर ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू टेन फाई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स टेन फाई। तो हम डी एक्स टेन फाई को क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। तो पी टेन फाई, ठीक है, पी डी आर इंटू आर इंटू टू पाई। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये टू पाई आर डी आर इंटू पी, और टू पाई आर डी आर, टू पाई आर डी आर कितना हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन द एरिया, तो दिस इज डी ए, ठीक है, सॉरी, हाँ दिस इज डी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ए इंटू पी हो गया, तो ये हमारे पास थर्ड फोर्स आ गया है, दैट इज डी ए इंटू पी, राइट। तो ये हमारे पास थर्ड फोर्स हो गया। एक फोर्स हमारे पास होगा फ्रिक्शन का, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो लेट से दिस इज डी एफ, राइट। तो ये हमारे पास चार फोर्सेस हैं जो कि यहाँ पे लग रहे होंगे, जो पी ए की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। पी प्लस डी पी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, डी ए प्लस डी ए इंटू पी ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया, और जो हमारे पास फ्रिक्शन की है वो बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो हम इसको अब देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारे फोर्सेज आ गए हैं, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी प्लस डी पी ए प्लस डी ए प्लस पी इंटू डी ए माइनस डी एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए माइनस पी इंटू डी ए माइनस ए इंटू डी पी माइनस डी पी इंटू डी ए प्लस पी इंटू डी ए माइनस डी एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, पी डेल ए से पी डेल ए पी ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज जीरो, क्योंकि दोनों ही डेल्टा डेल्टा हैं, तो ये बहुत स्मॉल हो गई वैल्यू, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई माइनस ए डी पी माइनस डी एफ इज इक्वल टू एम डॉट ए। अब एम जो मास है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, मास इज हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम से, तो रो इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, लेट से स्पेसिफिक वॉल्यूम में देते हैं, तो मास इज इक्वल टू, ठीक है, तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एरिया इंटू डेल एक्स, राइट, एरिया इंटू डेल एक्स हमारे पास कितनी हो गई, एरिया इंटू डेल एक्स इसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है, ओवर द स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं हम, डी डेल सी या डी लेते हैं इसको, डी सी ओवर डी टी, ठीक है। हमने ऑलरेडी डी ले रखा है, दैट मीन्स द चेंज इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, तो हमने डी ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे डी एक्स एंड डी सी और डी टी ले लेते हैं, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, तो सी डी सी ओवर द स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। तो ये हमारे पास एम डॉट ए आ गया, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए डी पी माइनस डी एफ इज इक्वल टू ए सी डी बी। अब सी डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए और बी को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस ए डी पी इंटू वी ओवर ए माइनस डी एफ इंटू वी ओवर ए, राइट। तो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास सी डी सी माइनस वी डी पी माइनस वी डी एफ ओवर ए। नाउ दिस इज नथिंग बट द वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर मास, ठीक है ना, पर यूनिट मास। तो क्या वो कैसे होगा देख लेते हैं, इफ अगर हम डब्ल्यू एफ निकालें, ठीक है, डी डेल्टा एफ निकालें, तो कितना होगा, द फोर्स इंटू द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द मास, मास इज ए इंटू सी डिवाइड बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, या रो, ठीक है। तो ये हमारे पास सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज वी डेल एफ ओवर
तो ये क्या है हमारे पास, ये कुछ नहीं है, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन है पर यूनिट मास। तो ये हम उसको लिख सकते हैं सी डी सी माइनस वी डी पी माइनस डी डब्ल्यू एफ, राइट। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम टू टू वन, ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस वी पी टू माइनस पी वन माइनस डब्ल्यू एफ, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर बाई टू वी पी वन माइनस पी टू माइनस डब्ल्यू एफ। तो दिस इज योर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, अगर हम जो कि नोजल से होगा, अगर हम यहाँ पे इसको फर्क फ्रॉम फ्रिक्शन को जीरो मान लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू वी पी वन माइनस पी टू ओनली, ठीक है, अगर हम वर्क फ्रॉम फ्रिक्शन को जीरो मान लें तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज द मोमेंटम इक्वेशन थ्रू द नोजल। थैंक यू वेरी मच।